हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है जो फैक्टोरियल के बारे में ही है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि लूपिंग का हेल्प लेके हम फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं, बट उसमें हमने जो वैल्यू थी वो हमारा था प्री डिफाइन, यानी कि हम पहले ही डिफाइन कर चुके थे हमारा कि एक से लेके पाँच तक या एक से लेके चार तक के नंबर्स का फैक्टोरियल फाइंड करना है। बट कई बार हमको ऐसी वैल्यूज भी आ जाती हैं कि हमको उन वैल्यूज़ का फैक्टोरियल फाइंड करना पड़ता है जो कस्टमर चाहता है या यूज़र चाहता है कि मैं अपनी मर्जी का नंबर एंटर करूँ, और जो मैं नंबर एंटर कर रहा हूँ उस नंबर का फैक्टोरियल मेरे को आंसर में प्रिंट हो जाए। इसलिए मैंने यहाँ पे करा, सबसे पहले इनपुट के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया आई, और उसको जो वैल्यू गेट करवानी थी, वैल्यू को गेट करवाने के लिए हमने इनपुट फंक्शन को यूज़ करना होता है, बट उसकी जो वैल्यू है उसको पहले ही कन्वर्ट करवा दिया नंबर में, और उसके लिए हमको कन्वर्जर फंक्शन है जो इंट हमारा वो काम कर रहा है, उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करके आई को पास कर दिया ताकि हमारी जो वैल्यू है डायरेक्टली कन्वर्ट हो सके न्यूमेरिकल में। और उसके बाद यहाँ पे एंटर करते हैं, और उसके बाद हमारा एंटर मैसेज डिस्प्ले हो गया जिसने जो हमने लिखा हुआ था एंटर नंबर। यहाँ पे मैंने वैल्यू पास कर दी 5, यानी कि मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए। और उसके बाद जो हमारा वर्किंग है, फैक्टोरियल नाम का एक वेरिएबल ले लिया और उसको डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करवा दिया 1, क्योंकि जो हमारा फैक्टोरियल नंबर होगा उसका आंसर को भी स्टोर करवाने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, तो उसके लिए मैंने अपना जो वेरिएबल रखा है वो हमारा है फैक्ट। और फिर नेक्स्ट हमारा लूपिंग जो वर्किंग कराएगा मल्टीप्लिकेशन का काम, जैसे मैंने यहाँ पे पास कर दिया रेंज, ये हमारा वेरिएबल हो गया लूप के लिए, रेंज आ गया क्योंकि अभी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा होगा आई से, आई मीन्स जो हमने 5 लिखा उस नंबर से हमारा वर्किंग स्टार्ट होगा, कॉमा 0 यानी कि आई हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और 0 हमारा एंडिंग यानी कि लास्ट पॉइंट। और उसके बाद डिक्रीमेंट लूप चलाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया -1, ये -1 लिखूंगा तभी हमारा लूप जो है डिक्रीमेंट में काम करेगा। मल्टीप्लिकेशन करवाने के लिए हमने वेरिएबल जो हमारा था फैक्टोरियल वाला उसको यूज करा, और उसकी हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाते गए ए से, ताकि वो अपनी सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा कर फैक्टोरियल के पास आंसर को स्टोर करवाता जाए। और अब अगर इसके बाद मैं एंटर करके अपने फैक्टोरियल वाले वेरिएबल को बोलता हूँ कि अपनी जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवा दे, तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 120। अब देखते हैं हमारा आंसर एक्यूरेट आया या नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जो आंसर है वो 120 ही आया, यानी कि ये हमारा वो फॉर्मेट है जिसकी वजह से या जिसकी हेल्प से हम उन वैल्यूज का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं जो पोस्ट डिफाइन, यानी कि जो वैल्यूज हमको बाद में दी गई हो, जो वैल्यू हमको बाद में मिलेगी उस वैल्यू का भी हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं।